युवा कांग्रेस द्वारा सोलन के पुराने बस अड्डे पर युवा कांग्रेस संकल्प रैली प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें राष्ट्रीय युवा कांग्रेस सचिव व हिमाचल चुनाव प्रभारी सूरज हेगड़े विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर स्थानीय विधायक व मंत्री धनीराम शांडिल रैली के अंत में शिरकत करने पहुंचे। विक्रमादित्य सिंह ने सोलन में पत्रकारों से वार्ता के दौरान मोदी सरकार को महंगाई के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया। मोदी की चुनावी घोषणा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई कम करना और काला धन लोगों के खाते में लाने के वायदे पर वे प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन महंगाई आसमान छू रही है। 450 का गैस का सिलेंडर आज 750 का मिल रहा है। नोटबंदी से देश में बेरोजगारी बढ़ी है और छोटे व्यापारी GST लागू होने से परेशान हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में वीरभद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गई हैं, जिससे प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने भाजपा को बिंदुले की बरात बताते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश में बिना नेतृत्व के चुनाव लड़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को दो धड़ों में बंटा बताया। आपसी गुटबाजी के चलते भाजपा की नैया भी डूबने वाली है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह में प्रदेश में नेतृत्व कर प्रदेश के चहुमुखी विकास को नया आयाम दिया है। उन्होंने कहा कि 3 मेडिकल कॉलेज सिरमौर में, IIM ऊना में IIIT का शिलान्यास किया गया, जबकि 55 नए कॉलेज खोले गए। गरीब कन्याओं के विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 45,000 रूपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही प्रदेश में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और 7वीं बार वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे। चिंता करने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को है। भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा कि जो आपने पिछले लोकसभा चुनावों में जो बड़े बड़े वादे देश की और प्रदेश की जनता से किए थे, जो महिलाओं से आपने वादे 15-15 लाख रुपए हर खाते में डालने की बात कही थी, जो महंगाई आपने कम करने की बात करी थी, जो गैस का सिलेंडर जो 450 रूपये का हुआ करता था आज वो 750 रूपये तक पहुंच चुका है, आज पेट्रोल डीजल की कीमत जो है वो आसमान छू रही है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को, अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को, हिमाचल प्रदेश की जनता को देना होगा। और ये जवाब प्रदेश की भाजपा के नेताओं से नहीं पूछेगी, क्योंकि प्रदेश की भाजपा की जो नेता है वो बिन धुले की बरात है। आज उनको यही नहीं पता है कि वो किस नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज जिस तरह से गुटबाजी माननीय नड्डा जी के कैंप में, माननीय धूमल जी के कैंप में है, ये आपसी गुटबाजी ही भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगी। हमने कांग्रेस पार्टी की दिशा और दशा माननीय राहुल गांधी जी पड्डल मैदान में आके साफ कर चुके हैं। वो ये साफ कर चुके हैं कि माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश चुनाव में उतरेगी और जो विकास के कार्य हमने किए हैं उसको ले जाकर लोगों के बीच ले जाएंगे और उसके दम पर हम जो है लोगों का समर्थन मांगेंगे और अगले 5 साल में जो हमने विकास के कार्य करने हैं उस पर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे।